So myself, Rohit Verma, and I have done my master's from Department of Physics and Astrophysics. It's in North Campus University of Delhi, and I have more than 5 years of teaching experience. So today, I'm going to talk about some important topic of 12th standard physics, that is all about electric flux. So I'm going to talk about Gauss' law, is one of the fundamental law in physics. So before I start Gauss' law, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज वंस यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द गॉस लॉ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुड पास थ्रू एनी सरफेस विच इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ बोर्ड, सो दिस इज अ बोर्ड हैविंग सर्टन एरिया एंड वी अज्यूम दैट this board is perpendicular, right? Let us assume that the electric field lines are coming to this board which is perpendicular to it. So electric flux says that how many electric field lines are crossing this board, which is a plane and area which is kept perpendicular to the electric field lines. And this is how we define the electric flux. So electric flux says that the more the electric field lines passes through the given area, the more will be the electric flux. So let's define mathematically what is electric flux and how it is defined. So just for the general case, we assume that we have एंड आर्बिट्ररी सर्फेस मीन्स कोई भी एक रैंडम सर्फेस मैंने चूज किया. वेन एवर आई टॉक अबाउट सर्फेस आई ऑलवेज मीन्स इट्स हैविंग अ सर्टेन एरिया. सो मान लेते एक आर्बिट्ररी सर्फेस है, ठीक है, जिसका कुछ एरिया है, मान लीजिए डेल्टा एस. वे एज्यूम आप एरिया को कोई भी लेट कर सकते हो, बट आई एम एज्यूमिंग दैट ये कोई भी एक रैंडम सर्फेस है जिसका एरिया है डेल्टा एस. ओके, नाउ ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सर्फेस. एनी नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर. एनी नॉर्मल टू द सर्फेस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर ऑफ दैट सर्फेस. नाउ रिमेंबर व्हाई आई एम टेकिंग area as a vector quantity, because since area is a magnitude, area is only a magnitude, but example के लिए लेता हूँ, अगर मैं इस board को rotate करना start कर दूँ धीरे धीरे इसके axis of rotation के about, then we will find that the electric field line जो इस normal situation में pass कर रही थी, अब क्या होगा जैसे जैसे आप board को rotate करते जाओगे धीरे धीरे electric field lines कम होती जाएंगी, ठीक है, बिकॉज अब कम से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स भी कम होते जाएगा, राइट. सो दैट इज वाई वी कैन एनालाइज दैट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बोर्ड द फ्लक्स इज चेंज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द बोर्ड इज डिक्रीज्ड, राइट. सो दैट इज वाई ना ओरिएंटेशन इज नथिंग बट अ डायरेक्शन, राइट. मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, बट जैसे जैसे मैं इसका ओरिएंटेशन डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, एरिया इस एरिया दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग. दैट इज वाई डायरेक्शन हैज ऑल्सो टू बी लिंक्ड विद द एरिया, एंड दैट इज वाई नाउ वी कैन से दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यू हैव टू रिमेंबर. एंड हाउ डू वी फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ एनी सर्फेस, जस्ट we have to draw a normal to the surface. जैसे for example, ये board है, इस board पर मैंने एक normal draw कर दिया, ये normal जो होगा इस surface के लिए क्या होगा, area vector, ठीक है. तो हम area vector को generally कैसे represent करते हैं, by ds vector. अगर आपका total area इसका delta s है, तो we assume करते हैं जो surface पे normal draw किया गया है वो क्या होगा, area vector. अब वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताने वाला कोई एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लग रहा है एन कैप. नाउ वी नो एन कैप क्या है, बेसिकली एक जनरल यूनिट वेक्टर है जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन पे लगता है और उसके डायरेक्शन को हमेशा बताएगा, राइट. सो
वी हैव अज्यूम्ड दैट एन आर्बिट्ररी सरफेस हैज एरिया डेल्टा एस, उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एस. वी एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नॉट पासिंग परपेंडिकुलर टू सर्फेस बट रैदर इट इज पासिंग ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बट इन दिस केस इन दिस जनरल सिचुएशन आई हैव अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नॉट पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस बट इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विथ दिस नॉर्मल डी एस वेक्टर. नोट, ठीक है, आपको नोट करना है ये जो हमारा, आप ds वेक्टर भी ले सकते हो, ठीक है. ds वेक्टर कब लेते हैं, जब हम एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसीडर करते हैं, बट यहां पे क्योंकि आपने एक एरिया डेल्टा s को कंसीडर किया है तो आप इसको जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी डेल्टा s वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर एरिया आपका ds होता तब उसके परपेंडिकुलर पे आप क्या ड्रॉ करते, ds वेक्टर. आपका एरिया डेल्टा s है, डेल्टा s क्या, जस्ट फॉर दी सिंबल मैंने इस एरिया को डेल्टा s लिया है. डेल्टा s क्या है, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड, उसका एरिया, उसके जो परपेंडिकुलर पे है वो क्या है, एरिया वेक्टर, जिसको मैंने डेल्टा s उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया. आई एम एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, और इट इज पासिंग थ्रू द सर्फेस इन सच अ वे दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस एरिया वेक्टर. ओके, सो क्या क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कंडीशन क्या है, केस क्या है मेरा पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस पासिंग थ्रू द सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस एरिया वेक्टर. सो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा फाई. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Now, the electric flux is defined as the dot product of electric field and area vector. Right? So, electric flux is a dot product between the electric field vector and the area vector. Now, since dot product can also be written as magnitude of electric field, magnitude of area vector, cos थीटा. जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कैसे टूटेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. ठीक है, चलिए नाउ सिंस द फ्लक्स हैज बीन रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Any quantity which is expressed as a dot product between two vectors is a scalar quantity. Like work done, we have read about work done. Work done is force dot displacement vector. So dot product between these two vectors is again giving you a scalar quantity which is energy, which is work done. Right? Okay. So this is how we define electric flux. For the case when our electric field is uniform, right? Okay. Now let us proceed and consider that our electric field is non-uniform. Electric field uniform का मतलब क्या होगा कि हर point, हर space में, हर given time पे जो magnitude होगा electric field का वो constant होगा. So this is your electric flux. Now electric flux एक scalar quantity है, तो जैसे बाकी के स्केलर्स ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, जैसे हम फॉलो करते हैं बाकी स्केलर्स के लिए. इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, बट स्केलर बट इट हैज बीन एक्सप्रेस द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, केस लेते हैं दूसरा, व्हेन आवर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन.
चलिए आप क्या सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब है हर पॉइंट ऑन द सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे वो डिफरेंट होगा. व्हाई? बिकॉज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दैट एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, इज वेरिंग. सो दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. बट calculus is a very powerful tool. It allows us to choose an elemental part of this surface. This is called elemental area. ठीक है, हम इस पूरे सर्फेस को छोटे 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 एलिमेंटल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, assuming that the electric field line which is passing through this elemental area is constant. ठीक है, elemental area से जो भी अब electric field line pass कर रही होंगी, we assume that for that very small area element electric field is uniform. So let us assume ये हमारा electric field है जो non uniform है. ये हमारा elemental area जिसको हम ds से represent करते हैं. Now we have to, देखो टोटल एरिया हमेशा आपका डेल्टा एस ही होगा. टोटल एरिया डेल्टा एस है, बट इस टोटल एरिया को मैंने डिवाइड कर दिया इस छोटे छोटे एलिमेंटल एरियाज में, सो दैट हर एलिमेंटल एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इज यूनिफॉर्म. एज्यूम दिस की कैलकुलस हमें अलाउ करता है इस चीज को चूज करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डी एस से रिप्रेजेंट कर रहे. अब इसी एलिमेंटल एरिया पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. This is called ds vector. अब क्लियर है कब हम डेल्टा s और कब हम ds चूज करेंगे. मैंने एलिमेंटल एरिया चूज किया है ds, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ds vector, जो उसका एरिया वेक्टर है. हम एज्यूम करें कि उस एलिमेंटल एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इज मेकिंग एन एंगल थीटा एंड इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म. नाउ हमें करना क्या है, हमें इस पूरे सर्फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. We have to find the total electric flux through this entire surface whose area is delta S. But हमने assume किया है छोटा elemental area choose किया है, उसके छोटा elemental area choose किया है और उससे जो electric field line pass कर रही है वो हमारा क्या है, अब uniform होगा. तो remember, जब भी electric field uniform होगा, every time we can express the electric flux as a dot product between electric field and area vector. तो इस छोटे एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यूनिफॉर्म हो गया. टोटल सरफेस के लिए एलिमेंटल, पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी है वो वेरी करी हर पॉइंट से, बट इस एलिमेंटल एरिया से, ये एलिमेंटल एरिया बहुत छोटा है, अ माइक्रोस्कोपिक एरिया यू कैन से. ठीक है, आपको एज्यूम करना होगा इस छोटे से एलिमेंटल एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी है वो यूनिफॉर्म है, तो उस छोटे एरिया एलिमेंट से फ्लक्स भी थोड़ा ही पास करेगा. तो छोटे फ्लक्स, उस थोड़े फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाई. डेल्टा फाई क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल सरफेस. डी फाई क्या है, दिस इज द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट डी एस. कितना होगा, सिंस इस एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर कितना है, डी एस वेक्टर. ठीक है, इस एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स पास करेगा वो अगेन क्या होगा, ई डॉट डी एस. बट ये फ्लक्स है सिर्फ उस एरिया एलिमेंट से, हमें तो उस टोटल सरफेस एरिया से निकालना है टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, क्या करेंगे, हम ऐसे सारे एलिमेंटल एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, उन सबको ऐड करेंगे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, राइट. सो कैलकुलस help us to integrate this small elemental flux and so that we can get a total flux through this entire surface. And total flux phi le lo, delta phi le lo, it's your choice, is given as the integral. And let us take phi as a total flux. It is the integral of d phi. Integral iska matlab hai ki hum aise d phi wale flux jo hai us surface se pass kar raha hai उन सबको मैं ऐड कर रहे हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. एंड डी फाइव, व्हाट इज डी फाइव, इट इज ई डॉट
ds. Clear? So whenever the electric field is non-uniform throughout the surface, electric flux is given as the integral of E dot ds vector. So this is your total flux through. Now such type of surface is called open surface, which is exposed to the air. Open surface कहते हैं उसको. Closed surface के लिए भी निकालेंगे, but difference देखेंगे closed surface उसके लिए क्या होता है.